तो कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन है, 2x+3y और बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। तो सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लेना है, फिर x और y के मान इसमें जो है प्रतिस्थापित कर देना रहेगा, फिर जिससे हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हमें मान लेना है समीकरण एक, और यहाँ पे ये जो समीकरण दो है इसमें हमें दोनों पक्षों में समीकरण के बाएं पक्ष में और समीकरण के दाएं पक्ष में दो से भाग कर देना है जिससे ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब दो से हम भाग कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x और यहाँ पे -2y और बराबर यहाँ पे -12। यहाँ पे 12 दुना 24 हुआ, यहाँ पे 2 दुना 4 हुआ, यहाँ पे 2 का गुणा x से हो जाएगा तो यहाँ पे 2x मिल जाएगा। यहाँ पे समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दिया गया है। अब यहाँ पे 2y को पक्षांतरण कर देना रहेगा, तो यहाँ पे x बराबर हमें लिखना है 2y और -12। यहाँ पे बराबर के इधर -12 ऋणात्मक है तो है, और यहाँ पे 2y बराबर की इस तरफ 2y माइनस में था, और जब इसका पक्षांतरण हो गया यानी कि बराबर के जब इधर आया तो ये हो गया प्लस में। ठीक, अब इसको हमें मान लेना है समीकरण दो। अब ये वाला x का मान उठा के समीकरण एक में रख देना है, तो यहाँ पे हमें लिखना है x का मान समीकरण एक में रखने पर। तो पहला समीकरण हमारा यहाँ पे है 2x+3y बराबर 11, तो यहाँ पे x की जगह हमें इतना रख देना है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 2 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x की जगह 2y और -12 2x, यहाँ पे 2y -12 और ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर लगाना है प्लस का निशान, और यहाँ पे लिखना है 3y और बराबर यहाँ पे लिख देना है 11। अब यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा 2y से और -12 से, तो यहाँ पे अब हमें लिखना होगा 2 दुना 4y और -12 दुना 24 और प्लस यहाँ पे 3y और बराबर यहाँ पे 11। अब यहाँ पे 24 का पक्षांतरण हो जाना है और 3y और 4y जुड़ जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे 4y और 3y मिलके हो गए 7y और यहाँ पे बराबर का निशान और यहाँ पे 11 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 7y बराबर 4 और 1 5 और 2 और 1 3, यहाँ पे मिला हमें 35, 7y बराबर 35, तो y बराबर 35 बटे हो जाएगा यहाँ पे 7, 7 y के साथ कर रहा है गुणा, और जब 7 का पक्षांतरण होगा तो इधर जाकर कर लेगा 35 को भाग करेगा, विभाजित करेगा, तो यहाँ पे 7 एकम 7 हुआ और 7 पचे 35 हुआ, तो यहाँ पे y बराबर मिल जाएगा हमें 5। अब y का मान समीकरण 2 में रख देना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया गया है x बराबर 2y और -12। अब यहाँ पे y बराबर 5 रख देना रहेगा हमें, तो x बराबर 2 और गुणे y की जगह कर देना है 5 और ये वाला माइनस का निशान और यहाँ पे 12 कर देना है, फिर x बराबर 5 दुनी यहाँ पे हुआ 10 हुआ और यहाँ पे -12 हुआ और x बराबर 10 से 12 निकल गया, यहाँ पे आ गया -2, तो यहाँ पे x बराबर -2 मिल रहा है और y बराबर हमें मिल रहा है 5। अब यही x और y के मान उठा के इसमें रख देना है, तो यहाँ पे लिखना है हमें x और y के मान y बराबर mx और +3 में रखने पर। अब यहाँ पे y की जगह हमें लिखना होगा 5, फिर यहाँ पे ये वाला बराबर का निशान, फिर यहाँ पे लिखना है m और x की जगह में मिला है -2, तो यहाँ पे लिख देना है -2 और ये वाला प्लस का निशान और यहाँ पे लिख देना है 3। अब यहाँ पे 3 का पक्षांतरण हो जाएगा तो 3 इधर जुड़ रहा है, इधर जाकर घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और -3 और बराबर यहाँ पे 2 का गुणा m के साथ होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2m और 5 से 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बराबर -2m। अब 2 का -2 का पक्षांतरण होगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा m बराबर 2/-2 और 2 से 2 को जब भाग करेंगे तो यहाँ पे m बराबर आ जाएगा -1/1 और -1/1 को हम लिख सकते हैं m बराबर -1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे m का मान निकल के आ जाएगा 1 माइनस का।